नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। जी हां, पश्चिम बंगाल की भवानीपुर, जंगीपुर और शमशकगंज विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के तहत वोटिंग होने जा रही है। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से टीएमसी की उम्मीदवार है। ऐसे में बीजेपी ने सीट से प्रियंका टिब्रेवाल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रीजीव विश्वास को मैदान में उतारा है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मद्देनजर इस क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और केंद्रीय बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया है कि भवानीपुर में जिन मतदाता केंद्रों पर आज मतदान होना है उनके 200 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू की गई है और भवानीपुर में करीब 90 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर 287 मतदेय स्थलों में से प्रत्येक पर केंद्रीय बल के जवान तैनात किए जाएंगे। वहीं बूथ के बाहर सुरक्षा का प्रभार कोलकाता की पुलिस अधिकारियों के हाथ में ही होगा। ऐसे में कोलकाता पुलिस ने एक आदेश में कहा है कि किसी भी मतदान केंद्र में 200 मीटर के दायरे में 5 या इससे ज्यादा लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही पत्थर, हथियार, पटाखे या फिर अन्य विस्फोटक सामग्री लाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में अधिकारी ने बताया कि भवानीपुर में 38 स्थानों पर पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन एक बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भवानीपुर उपचुनाव के लिए एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के अलावा 4 संयुक्त पुलिस आयुक्त, 14 उपायुक्त और इतने ही सहायक आयुक्त तैनात किए जाएंगे। साथ ही अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि हमने 3 अतिरिक्त नियंत्रण कक्ष भी खोले हैं। ईवीएम को पहचानने के लिए 141 विशेष वाहनों का प्रबंध भी किया गया है। ऐसे में शहर में रुक रुक कर बारिश होने की वजह से सभी पुलिस कर्मियों से रेनकोट पहनने और छाते साथ रखने के लिए भी कहा गया है। वहीं पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कल पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाने जा रहे हैं। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक पंजाब में बड़ा सिख चेहरा तलाश रही बीजेपी अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दांव लगा सकती है। उधर सिद्धू को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। दरअसल कांग्रेस के अहम चेहरे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर की करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई। ऐसे में अमित शाह के बाद कैप्टन अमरिंदर अब जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं। ऐसी अटकलें हैं कि कैप्टन को बीजेपी राज्यसभा के रास्ते केंद्र में मंत्री बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह को कृषि मंत्री बनाने का ऑफर भी मिल सकता है, लेकिन अटकलों के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर यह जताने की कोशिश की अमित शाह से मुलाकात किसानों के मुद्दे पर हुई है। जाहिर है कि कांग्रेस को ये मुलाकात रास नहीं आने वाली थी और इसीलिए कांग्रेस के उच्च सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी नेतृत्व नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की हरकत से काफी नाराज है और अगर सिद्धू ने इस्तीफा वापस नहीं लिया तो उनकी जगह किसी और को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की जगह पार्टी किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी ये अभी तक तय नहीं हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा के बीच एक बार फिर से सत्ताधारी कांग्रेस के एक दर्जन से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस विधायकों के दौरे ने राज्य में सियासी गर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। विधायकों के दिल्ली पहुंचने को लेकर राज्य में कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में पहुंचे हैं। हालांकि बता दें कि विधायकों ने कहा है कि उनकी यात्रा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के राज्य के प्रस्तावित दौरे से जुड़ी हुई है। राज्य की रामानुजगंज विधानसभा सीट से विधायक बृहस्पत सिंह ने बताया कि पार्टी के करीब 15 से 16 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं और अलग अलग जगहों पर ठहरे हुए हैं। सिंह ने यह तक बताया कि राहुल का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। हम अपने प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जी के माध्यम से राहुल से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो अपने दौरे की अवधि को और थोड़ा बढ़ा दें जिससे सभी विधायकों को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अनुरोध करने के लिए दिल्ली आए हैं और इस संबंध में गुरुवार को प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से बात भी करेंगे।
हमारी यात्रा को दूसरे तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। जब ब्रजपत सिंह से पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री बघेल को अपना समर्थन व्यक्त करते आए हैं, तब सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी के 70 विधायक हैं और ऐसे में जिनमें से 7 विधायकों ने पिछली बार पुनिया जी को सब कुछ बताया था, अब जब आलाकमान का आशीर्वाद और विश्वास होता है तो विधायकों का समर्थन होता है और मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे होते हैं तो अब ऐसा कोई भी बड़ा परिवर्तन या मुद्दा नहीं रह गया है। वहीं विधायक सिंह ने बघेल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच कथित मनमुटाव से इनकार भी किया और कहा कि दोनों नेताओं ने हाल ही में एक साथ मंच भी शेयर किया था और एक दूसरे को मिठाई खिलाई है और एक दूसरे का सम्मान भी किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अभी स्थिति पंजाब की तरह नहीं है। किसी भी पार्टी का आलाकमान सिर्फ एक नेता को खुश करने के लिए पूरी सरकार को दांव पर नहीं लगाएगा। वहीं सहारनपुर में बनने जा रहे विश्वविद्यालय मां शाकुंभरी के शिलान्यास को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कोई भी सूचना प्रशासन को नहीं मिली है। हालांकि बता दें कि अगर आने वाले भविष्य में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास होना है जिसको लेकर लगभग 5 हेलीपैड की तैयारी की जा रही है और लगभग 1 लाख से ज्यादा की संख्या वाला विशाल पंडाल भी तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि 30 सितंबर को मुख्यमंत्री के सहारनपुर आगमन की चर्चाएं सामने आ रही थी, लेकिन जिलाधिकारी की तरफ से जानकारी दी गई है कि शासन से कोई भी निर्देश उन्हें नहीं मिले हैं और जैसे ही निर्देश मिलेंगे तभी तुरंत सूचना दी जाएगी। अभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का शिलान्यास कार्यक्रम प्रस्तावित है। नहीं देखिए, अभी तक जो है हम लोग के पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये जरूर है कि यहाँ पर जो मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय है इसका शिलान्यास निकट भविष्य में जो प्रस्तावित है और उसमें जैसे ही VIP VVIP की जो भी सूचना होगी उसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। वहीं देश भर में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही राष्ट्रीय माध्यान्ह भोजन योजना का नाम अब बदल दिया गया है। अब ये पीएम पोषण योजना के नाम से पहचानी जाएगी। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक में इसे लेकर अपनी मंजूरी दी है। मौजूदा मिड डे मील योजना देश के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को गर्म भोजन प्रदान करती है और अब इसका नाम पीएम पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया है। इसके साथ ही इस योजना को 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल तक जारी रखने के लिए कुल 1 लाख से ज्यादा रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया गया है। ऐसे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार इसमें से केंद्र सरकार 54 करोड़ से ज्यादा रुपए का योगदान देगी जबकि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को 31 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का प्रदान करेंगे। सरकार ने एक बयान में कहा कि केंद्र खाद्यान्न पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन है। पीएम पोषण योजना को लेकर किए गए अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि कुपोषण के खतरे से निपटने के लिए हम हर संभव काम करने को प्रतिबद्ध है। पीएम पोषण को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय बहुत अहम है और इससे भारत के युवाओं का फायदा भी होगा। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करते बताया कि इस योजना के जरिए महिला स्वयं सहायता समूह को भी काफी मदद मिलेगी। उन्होंने लिखा कि इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह योजना किसान उत्पादक संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूह की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी। वहीं उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को वर्चुअल तौर पर संबोधित किया सभी कार्यकर्ताओं को और इसी परिपेक्ष में ऋषिकेश और नरेंद्र नगर विधानसभा का कार्यक्रम 2 अलग-अलग वेडिंग पॉइंट्स पर आयोजित किया गया जिसमें सभी शक्ति केंद्रों में प्रभारी एवं संयोजकों सहित जिला स्तर एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बता दें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम को
जोड़ने वाला ऑल वेदर रोड का अद्भुत कार्य हुआ है। केदारनाथ त्रासदी के बाद उसको सुव्यवस्थित रूप से निर्मित करने का कार्य स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में लिया। नड्डा ने उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कई जन उपयोगी योजनाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि ये योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। उन्होंने इसका श्रेय प्रदेश सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने की अपील कार्यकर्ताओं से की। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि 2017 की तरह ही 2022 में भी बीजेपी को सत्तासीन करने के लिए वो जी जान लगा देंगे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक और जिला देहरादून के प्रभारी फुरकान अहमद ने डोईवाला स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों और वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से डोईवाला विधानसभा के प्रत्याशी चयन को लेकर उनके मन की बात जाननी चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस 2022 के चुनाव के लिए जोर शोर से लग चुकी है और इसी कड़ी में जिला कांग्रेस प्रभारी विधायक फुरकान अहमद ने कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को एक एक कर बुलाकर बंद कमरे में डोईवाला से कौन कौन प्रत्याशी हो सकता है इसको लेकर चर्चा की, जिसकी रिपोर्ट बनाकर वो कांग्रेस हाईकमान को सौंपेंगे, जिसके बाद डोईवाला में कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होगा। साथ ही विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से उनकी राय जानी गई है और इसे हाईकमान को अवगत कराया जाएगा। सभी ने आश्वस्त किया है कि कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी पार्टी द्वारा घोषित किया जाएगा सभी कार्यकर्ता उसके लिए एकजुट होकर काम करेंगे। मुझे यहाँ कर प्रभारी बनाया गया, तो आज हमने अपने वरिष्ठ जो हमारे कान से हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, जिला सिंह जी जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी सैनी साहब बैठे हैं, लेकिन जितने भी हमारे जो जिम्मेदार साथी थे हमने सबकी राय ली कि 2022 का चुनाव हमारे साथ करें। और जनता भाजपा से परेशान हो चुकी है, जो वादे किए थे सब उनके वादे झूठ निकले। महंगाई हो चाहे रोजगार हो चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, बहुत से जो वादे किए थे वो सब झूठ निकले। तो जनता ने मन बना चुका है कि आने वाले 2022 में हम यहाँ से कांग्रेस को जिता कर भेजेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए हम अपने जो हमारे वरिष्ठ साथीगण हैं पार्टी को उनसे राय हमने अलग अलग सबसे राय ली, जो भी उनकी राय हो हम अपने हाईकमान को अवगत करा देंगे। और जो भी हमारा कैंडिडेट होगा कि जो भी हाईकमान कैंडिडेट यहाँ पे आएगा हम सब ने वादा किया कि हम सब मिलकर आपस में उसे जिताने की कोशिश। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को गांधीनगर को पहुंचे, जहां गुजरात में 3 अक्टूबर को होने वाले निकाय चुनावों से पहले चुनावी हुंकार उन्होंने भरी। उन्होंने गांधीनगर में रोड शो किया जिसे जबरदस्त समर्थन भी मिला और हजारों की संख्या में लोगों ने इस रोड शो में भाग लिया। इस अवसर पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने गुजरात की जनता का भरोसा तोड़ा, उसके साथ विश्वासघात किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी गांधीनगर की जनता के समर्थन से न केवल गुजरात बदलाव की शुरुआत करेगी बल्कि लोगों को और ज्यादा बेहतर सुविधा देगी। आम आदमी पार्टी को सूरत में लोगों से जो भरोसा है और विश्वास मिला है, गांधीनगर की जनता भी आप पर यही भरोसा दिखा रही है। बता दें आम आदमी पार्टी इस भरोसे के साथ ही गुजरात में जनता के हितों के काम कर बदलाव की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि गांधीनगर के निकाय चुनाव बीजेपी के फेलियर, बीजेपी के प्रति जनता के टूटते विश्वास बनाम आम आदमी पार्टी का जनाधार सूरत के आप पार्षद का काम और दिल्ली में आप द्वारा किए गए काम के बीच है। साथ ही गांधीनगर की जनता आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की राजनीति को चुनकर अपने वोट की ताकत से गांधीनगर में जिताएगी आम आदमी पार्टी को। साथ ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और लोगों ने बड़ी पार्टियों से उठकर आप पर अपना भरोसा कायम किया था, ठीक उसी तरह आज गांधीनगर में भी जनता 3 अक्टूबर को चुनाव में वही काम करेगी। उन्होंने कहा कि आज लोगों का बीजेपी से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है और लोगों ने कई बार बीजेपी के प्रति अपना गुस्सा भी जाहिर कर कांग्रेस को चुना, लेकिन
सेम कांग्रेस ने भी गांधीनगर की जनता के साथ विश्वासघात और गद्दारी की है। जनता के वोट को उनके समर्थन और भरोसे को बीजेपी को बेच दिया, इसीलिए जनता आज विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है और उस पर भरोसा भी जता रही है। वहीं लखीमपुर खीरी में चल रहे 10 दिवसीय किसान मेले का समापन हो गया है। बता दें, गन्ना विकास समिति के प्रांगण मुख्य गन्ना विकास अधिकारी राजेश सिंह की अगुवाई में चल रहे 10 दिवसीय किसान मेले का समापन बुधवार को किया गया। मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों की मूलभूत सुविधाओं को समझकर उसका निस्तारण करना था। साथ ही जानकारी के मुताबिक आयोजित किसान मेले में तकरीबन 404 शिकायतें आई, जिसमें से 352 शिकायतों का निस्तारण अधिकारियों द्वारा किया गया, जबकि शिकायतों का निस्तारण जल्द किया जाएगा। जो बची भी बाकी शिकायतें हैं, दिल्ली एनसीआर में आज बादलों और सूरज के बीच आंख-मिचौली का खेल जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी पुनः अनुमान में बताया गया है कि आज दिन भर दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस दौरान बारिश तो हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अक्टूबर के पहले दिन यानी कि 1 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी पुनः अनुमान में बताया है कि 2 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे, हालांकि इस दौरान बारिश की संभावना ना के बराबर है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहेगा। इस दौरान 5 किलोमीटर की रफ्तार से शहर में हवाएं भी चलेंगी। वहीं चक्रवात गुलाब की वजह से गुजरात और मुंबई के समंदर में शाहीन तूफान का खतरा भी और ज्यादा बढ़ गया है। चक्रवात की वजह से गुजरात में 3 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के नासिक और पालघर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। चक्रवात की वजह से तटीय इलाकों के लोग काफी डरे हुए हैं। ऐसे में राहत और बचाव काम के लिए भी टीमों को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि मॉनसून अब पूरी तरह से अंत की ओर पहुंच चुका है और सर्दी की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में देश में बारिश का दौर लगभग थम चुका है और मौसम में बदलाव लोगों को महसूस होने लगा है। दिन में लोगों को गर्मी का एहसास होता है, तो वहीं रात चढ़ने तक साथ ही ठंडी ठंडी मीठी मीठी ठंड थोड़ी महसूस होने लगती है। लेकिन दिन में जिस तरह से उमस भरी गर्मी लोगों को झेलनी पड़ती है, अब कई दिन मौसम थोड़ा ठीक रहेगा तो उस उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी। लक्सर के स्वामी समनदास जी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रविदास आश्रम पुरवाला बिसंगपुर में समनदास जी महाराज का 105वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। बता दें, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर महाराज जी के जन्म महोत्सव और सत्संग में भाग लिया। वहीं आश्रम में रहने वाले महाराज मेघराज दास ने बताया कि उनके द्वारा समनदास जी महाराज का जन्मदिन इसी आश्रम में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उसी क्रम में समनदास जी महाराज को 105वां जन्मदिन उनके द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित सत्संग में आशीर्वाद लेने पहुंचे बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने बताया कि वो काफी लंबे समय से समनदास जी महाराज से जुड़े हुए हैं और उन्हें मानते आए हैं, और आज वो समनदास जी महाराज के जन्म दिवस पर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आश्रम पहुंचे हैं। आज ये प्रोग्राम अखिल भारतीय गुरु रविदास मिशन के अध्यक्ष जो परम संत शिरोमणि की उपाधि से निवाजे गए हैं, समय के सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के करकमलों द्वारा ये आज से नहीं यहाँ पर सन 2010 से चल रहा है। यहाँ उनका आश्रम है और प्रेमियों ये जो है आज उनका जन्मदिवस 105वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। समनदास जी महाराज जो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के मिशन को लेकर चल रहे हैं, वहाँ उनके अनुयायी हैं और हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं। हम काफ़ी लंबे समय से गुरु समनदास जी को ही मानते हैं और उनके अनुयायी हैं, उनके बीच आए हैं। आज क्योंकि गुरु जी का जन्मदिन मनाया जा रहा, उनके बीच इसलिए आए हैं हम लोग।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बीते 16 सितंबर को भारी बारिश के चलते रद्द हुआ दौरा अब आज एक बार होगा। हालांकि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ केवल सदर विधानसभा में ही सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण और लाभार्थियों को सम्मानित करके जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें सीएम योगी का हेलीकॉप्टर आज दोपहर 12:25 पर बाराबंकी के केजी सिंह बाबू स्टेडियम में बने हेलीपैड पर उतरेगा। वहीं सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारियों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। तालाब बने जीआईसी के ग्राउंड से जल निकासी को लेकर जहां कई कम पंप सेट लगाए गए हैं, वहीं बारिश को ध्यान में रखते हुए पार्टी के नेता और अधिकारी जीआईसी ऑडिटोरियम पहुंचकर सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हुए हैं। तो आज सीएम योगी का बाराबंकी दौरा है, तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस जनसभा में लोग उमड़ सकते हैं। ये तस्वीरों से साफ देखा जा सकता है क्योंकि तैयारियां कितनी ज्यादा की जा रही है और ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। आज 12:25 पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाराबंकी पहुंच जाएंगे जहां पर वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कम पिछले हफ्ते था लेकिन भारी बरसात की वजह से कार्यक्रम स्थगित हो गया था, जिसका कार्यक्रम जो कल होना है उसकी तैयारी आप यहां पर देख रहे हैं। जो यहाँ पर थोड़ा पानी वानी कीचड़ भरा था उसको भी साफ कराया जा रहा था कि लोगों को आने में असुविधा न हो और यहाँ आकर के ठीक से मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन सके, उनकी बात कर सुन सके। क्या टाइमिंग रहेगा आने का? टाइमिंग उनका 12 बजे का। संसद जी एक हट के सवाल है कि जो किसान आंदोलन का किसान आंदोलन के और आप लोगों के हित मैंने देखा है, सुना भी है जी, अखबारों में भी देखा है, सारे किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। कुछ चुने हुए किसान नेता जो अपने आप को किसानों का नेता बताते हैं वही कल घूम रहे थे, बाकी उनके साथ कोई भी किसान नहीं था। देखिए कल कार्यक्रम प्रस्तावित है और यहीं पे होगा और उसमें जनसभा होगी और जो विकास के कार्य हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास होगा, जो हमारे कुछ सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उनको प्रमाण पत्र वितरण इत्यादि किया जाएगा, यही कार्यक्रम कल प्रस्तावित है। सर पिछली बार 16 सितंबर को कार्यक्रम लगा था लेकिन वर्षा के कारण कार्यक्रम जी जी आप किस तरीके की तैयारियां हैं या बारिश का मौसम है, बारिश हो जाती है, किस तरीके की तैयारियां? देखिए पिछली बार ही हमारी तैयारियां पूरी थी लेकिन जैसा आपने कहा वर्षा अत्यधिक हो गई थी, इस बार भी हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं और इस बार यही आशा करते हैं कि मौसम भी साथ देगा और कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक होगा। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।